मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक से केमिस्ट्री से रिलेटेड वह क्या है, पीएच स्केल और पीएच वैल्यू। पीएच स्केल और पीएच वैल्यू, तो पीएच का अर्थ होता है क्वांटिटी ऑफ द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के शक्ति पर यह डिपेंड करता है कि दिया गया सोल्यूशन अम्लीय है, क्षारीय है या न्यूट्रल। इसके शॉर्ट में हम डिफिनेशन आपको बता रहे हैं, पीएच बराबर लॉग एच आयन ऑन अपन एच आयन। इसका डिफिनेशन हम क्या लिखेंगे, लॉग ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड द पीएच। ये पीएच माने पॉन्टेज होता है जो लैटिन भाषा से लिया गया है। पीएच का मतलब होता है पॉन्टेज ऑफ द हाइड्रोजन्स। ये आपको ध्यान देने की बात है कि हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन का आयनिक प्रोडक्ट आपका होता है 10^-14 एट द 25 डिग्री सेल्सियस। ये प्रकृति का नियम है, सोल्यूशन में अगर वह हाइड्रोक्सिल, अगर वह क्षारीय है उसमें OH आयन की प्रधानता होती है, अगर उस वह अम्लीय है तो H आयन की प्रधानता होती है। तो जैसे इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं 10^-1, 10^-2, 10^-3। तो इसका मतलब क्या हुआ, लॉग इनटू 10^-1, और ये जो पावर में है वह कोफिशियंट के रूप में यहाँ चला आता है। तो ये आपका हो गया माइनस लॉग 10^-1। इस पावर को जब हम यहाँ पर लाते हैं वह पॉजिटिव में बन जाता है, माइनस वाले से यह माइनस यह है तो प्लस लॉग 10। 10/10 का लॉग 1 होता है, तो इसका पीएच वैल्यू आपका कितना हो गया, 1 हो गया। जैसे पीएच इसका रिवर्स लिखिए तो लिखते हैं हम लोग है एच आयन 10^-1, एच आयन पर पावर माइनस 1। एच आयन पर हम लोग लिखते हैं एच आयन पर प्लस आपका 1 लिखते हैं। रेसिप्रोकल ऑफ द एच आयन, रेसिप्रोकल ऑफ द एच आयन, जैसे इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम लिखेंगे तो माइनस लॉग एच आयन, इसका मैंने रेसिप्रोकल लिखा तो माइनस में कन्वर्ट हुआ, माइनस को माइनस को लिख दिया। इस प्रकार से हम लोग कहते हैं लॉग ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड द पीएच। अब रही बात कि अगर परीक्षा में हाइड्रोजन आयन दिया हुआ है, इसको ट्रांसपोर्टिंग करके हाइड्रोक्सिल आयन को निकाल सकते हैं, अगर हाइड्रोक्सिल आयन दिया हुआ है तो एच आयन को निकाल सकते हैं। तो आपको पता है कि हाइड्रोजन का कॉन्सेंट्रेशन जितना कम होगा वह उतना ही अम्लीय होगा, जैसे 1 सबसे ज़्यादा अम्लीय, 2 उससे कम, 3 उससे कम, ये पीएच वैल्यू, 4 उससे कम, 6 उससे कम, 7 आपका न्यूट्रल। अब यहाँ से इसकी क्षारीयता बढ़ते जाएगी, ये कम क्षारीय, उससे अधिक क्षारीय, उससे अधिक क्षारीय, इस प्रकार से 14 तक ये जाएगा, टोटल 14 तक। तो हमारे स्केल में 1 से लेकर 0 से लेकर 14 तक होते हैं। यह बढ़ती हुई क्षारीयता है, ये इधर बढ़ती हुई अम्लीयता है, इधर बढ़ती हुई घटती हुई अम्लीयता है, इधर घटती हुई क्षारीयता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारा आज का पीएच स्केल के संदर्भ मैंने बताया था, जो कि 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने जाएंगे, और जो न्यूट्रल वाटर होता है उसका पीएच वैल्यू 7 होता है, जैसे दूध का पीएच वैल्यू नियर अबाउट 6.8 होता है, मिल्क का
अगर उसको ज़्यादा देर तक अगर समर में समर डी में गर्म नहीं करते तो दूध फट जाता है। फटने का मतलब है जो उसमें लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होती है वह क्या कहते हैं फैट को क्या करता है डीकम्पोज करता है, जो कि नॉन ऑक्सीडेशन करता है जिसके कारण दूध खट्टा हो जाता है, उसी को बोलता की भाषा में कहते हैं फटना। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारा अगर एक वीडियो आपको निश्चित रूप से आपको सेव करेगा और मैं पुनः कल इसी टाइम में पुनः आपको एक दूसरा वीडियो दूंगा। थैंक यू वेरी मच।